हेलो फ्रेंड्स, आई क्रिएशन यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं इस तरह का पुली एंड व्हील्स, जो हम लोग दुकान में खरीदने जाते हैं तो हम लोग को ईजिली नहीं मिल पाता है, और ऑनलाइन मिलता भी है तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। और ये पुली एंड व्हील्स जो है बहुत ही ज़्यादा काम में आता है रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का एक प्लाईवुड ले लेना है। आप अगर लकड़ी लेना चाहते हैं तो लकड़ी भी ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 12 mm की एक प्लाईवुड को ले लिया है, और हमने एक स्केल और कंपास की मदद से हम लोग इस पर डिज़ाइन पहले कर लेंगे। तो काटने के लिए आपको इस तरह का हैक्सो लेना पड़ेगा। आपके पास हैक्सो नहीं है तो आप सिंपली हैक्सो ब्लेड ले सकते हैं, जो आपको दुकान में 3 रुपये का मिल जाएगा कोई भी हार्डवेयर शॉप में, ठीक है, आप इजीली ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है 50 mm डाया का एक व्हील बनाना है। तो हम लोग यहाँ रेडियस लेंगे 25 mm का, यानी कि 2.5 cm का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हमने मार्क कर लिए है, और अब बचपन में जैसे अब कॉपी में ड्रॉ करते थे, उसी तरह इस लकड़ी के ऊपर भी आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे बचपन से करते आ रहे हैं। तो चलिए फटाक से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद आपको मिडिल पॉइंट को मार्क कर लेना है किसको, क्योंकि ये अगर खो जाए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो देखिए, हमने मिडिल पॉइंट को भी मार्क कर लिया है यहाँ पर। तो अब हमें इस हैक्सो से इसे काट लेना है। इसे काटना बहुत ही इजी है, क्योंकि ये प्लाईवुड है, बहुत ही इजीली काट जाता है। हैक्सो से आप इजीली काट सकते हैं। इस तरह से हम लोग काट लेंगे। मैंने यहाँ वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो। तो जब तक ये कट रहा है तब तक आप एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो में। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का शेप का हम लोग को मिला है, लेकिन ये व्हील जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो इसे आपको व्हील जैसा बनाने के लिए कुछ और प्रोसेस करना पड़ेगा, और ये बहुत ही सिंपली बन जाता है, आप इजीली बना सकते हैं। तो पहले हमें इस मिडिल पॉइंट पे ड्रिल कर लेना है, ड्रिल पे होल कर लेना है। आपके पास ड्रिल नहीं है तो आप किसी भी कील वगैरह से होल कर सकते हैं मिडिल पॉइंट पर, ठीक है। इसीलिए हमने मिडिल पॉइंट को मार्क किया था। तो चलिए, मार्क होल हो जाने के बाद आप एक मोटर ले सकते हैं। मैंने यहाँ 775 DC मोटर ले लिया है, आप कोई भी हाई RPM का मोटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपको मोटर में व्हील को लगा लेना है इस तरह से। और फ्रेंड्स, मैं काफ़ी न्यू तरीके ले लाते रहते हूँ, तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह का न्यू टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो ये मैंने एक सैंड पेपर ले लिया है, आप इस तरह का सैंड पेपर हार्डवेयर शॉप से ला सकते हैं। आप मोटर को इस तरह से चला सकते हैं, कोई भी बैटरी वगैरह से या कोई भी चीज़ से चला सकते हैं। तो आप इस तरह से मोटर को चला सकते हैं कोई भी बैटरी वगैरह से। मैंने मोटर चलाने के बहुत से तरीके के ऊपर वीडियो बना दिया है, और आपको सिंपली जो ये सैंड पेपर है ये इस व्हील के ऊपर इस तरह से घिसना है, ठीक है। और घिसते घिसते आप देख सकते हैं ये हमारा जो व्हील है ये पूरी तरह से गोल राउंड शेप में ये आने लगेगा। जैसे ही आप ये राउंड शेप में आ जाए, थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाए, तो इस तरह का जो पेंसिल शार्पनर होता है आपको इस तरह का शार्पनर ले लेना है, और उससे आपको ब्लेड को खोल लेना है। शार्पनर से आपको ब्लेड को खोल लेना है इस तरह से, और फिर से आप लोग को मोटर को स्टार्ट करना है, ठीक है। मोटर को आपको चला लेना है, और धीरे धीरे से इस ब्लेड को कुछ इस तरह से आपको टच करते रहना है, बिल्कुल धीरे धीरे से, ठीक है। ध्यान रखें कि हाथ में चोट ना लगे। तो इस तरह से करने पर जो लकड़ी है वो काफ़ी जल्दी जो है घिस जाता है, और आपको एक राउंड शेप मिल जाता है, ठीक है। मेरा यहाँ 5 मिनट तक घिसने पर ही ये बन गया। तो देखिए, फिर मैं एंड पर एक बार सैंड पेपर देकर इसे पॉलिश कर लिया, ताकि अच्छा लुक आ जाए हमारे व्हील का। तो ये देख सकते हैं, हमारा व्हील जो है काफ़ी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है बनकर। और आप अगर इसे दुकान में खरीदने जाते तो ये करीबन 100 रुपये का मिलता है। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी इजीली जो है हमारा व्हील बन चुका है यहाँ पर, और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। इसी तरह से आप इस तरह का पुली भी बना सकते हैं, ठीक है। आप उसी तरह से लकड़ी को काटिए, और जो है आपको मोटर में लगा कर, और कुछ इस तरह से जो चाकू से आपको करते रहना है, ठीक है। मोटर घुमाते रहना है, और चाकू से इसका मिडिल पॉइंट पर इस तरह से करना है। तो इसी तरह आप पुली भी बन जाएगा, ठीक है। ये काफी इजी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर दबा ले, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।